शकेम से भागकर याकूब और उसके सब साथी कनान देश के बेतेल में पहुंचे और वहां उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भाग जाता था तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ था। उस समय रिबका की धाय दबोरा मर गई और उसे एल बेतेल के बांज वृक्ष के निचले भाग में मिट्टी दी गई और उस बांज वृक्ष का नाम अलोन बकूत अर्थात विलाप का बांज वृक्ष रखा गया। तो परमेश्वर ने याकूब को दर्शन और उसे आशीष देकर कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इज़राइल कहलाएगा। मैं एल शदाई सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू फूले फले और बढ़े, और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है वही देश तुझे देता हूँ, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। तब परमेश्वर उस स्थान में जहाँ उसने याकूब से बातें की उसके पास से ऊपर चढ़ गया। उस स्थान में याकूब ने पत्थर का एक खम्मा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। जहां परमेश्वर ने याकूब से बातें की उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। बेतेल से वे एप्रात की ओर चले और उनकी यात्रा के दौरान राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी, और जब उसको प्रसव की बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब उसकी धाय ने उससे कहा, मत डर, तुझे एक और पुत्र हुआ है। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते राहेल ने उस बेटे का नाम बिनोनी अर्थात मेरे शोक का पुत्र रखा, पर याकूब ने उसका नाम बिन्यामीन अर्थात मेरे दाहिने हाथ का पुत्र रख दिया। राहेल को इप्राता जिसे बैतलहम भी कहा जाता है कि मार्ग में मिट्टी दी गई और याकूब ने राहेल की कब्र पर एक खम्बा खड़ा कर दिया। फिर इज़राइल ने कूच किया और एदेर नामक गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। जब इज़राइल उस देश में रहता था तब रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिल्हा के साथ कुकर्म किया और यह बात इज़राइल को मालूम हो गई। याकूब हिब्रोन में जहां अब्राम और इसहाक परदेसी होकर रह रहे थे अपने पिता इसहाक के पास लौट आया। इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई और इसहाक का प्राण छूट गया और वह बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला, और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी। इसहाक की मृत्यु के बाद एसाव अपनी पत्नियों और बेटे बेटियों और घर के सब प्राणियों और अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल आदि सब पशुओं निदान अपनी सारी संपत्ति को जो उसने कनान देश में संचित की थी लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूसरे देश को चला गया, क्योंकि उनकी संपत्ति इतनी हो गई थी कि वे उस देश में इकट्ठे न रह सके, और पशुओं की बहुत आयत के कारण उस देश में जहाँ वे परदेसी होकर रहते थे वे समा ना सके। एसाव सेईर के पहाड़ी देश में बस गया और वह एदोमियों का मूल पिता हुआ। और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब धाय ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। यूं राहेल मर गई और एप्राता अर्थात बैतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। उत्पत्ति 35:16b-19:19।